Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख्वातिन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल 23 सितंबर 2017 को लेकर खासा शोर मचा हुआ है। आखिर 23 सितंबर को क्या होगा? क्या एलियन हमला करेंगे? क्या आसमान पर कुछ नया दिखेगा या फिर समंदर में कोई हलचल होगी? ख्वातिन हज़रात, पूरी दुनिया में खुसूसन यूरोप में 23 सितंबर को एलियन से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भी खासी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जैसे आसमान पर कुछ नया दिखेगा या फिर कुछ समंदर में कुछ हलचल होगी। कुछ ऐसी अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर सबके पीछे हकीकत क्या है? ख्वातिन हज़रात, अगर हम यूरोपीय तारीख के माह व साल का जायजा लें तो उसमें हमें सितंबर का महीना खासा दिलचस्प नजर आएगा। ख्वातिन हज़रात, जब मुसलमान इल्म और हिकमत के बुलंद मियार पर थे, तब यूरोप के बाजार कीचड़ और गंदगी से भरपूर थे, जबकि ज़ाहरी गलाजत के अलावा उनके जहनों में तोहमात की भी खासी भरमार थी। आज का यूरोप जानवर पर बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आता है, जबकि 15वीं और 16वीं सदी में यही कौम पूरा साल गलियों बाजारों से काली बिल्लियां इकट्ठी करती थी। फिर साल का एक मखसूस महीना मुकर्रर किया जाता, जिसकी मुकर्रर तारीख को एक बड़े मैदान में आग का अलाव रोशन किया जाता। अमाउस की रात होती थी और उस रात के पिछले पहर में बेचारी बिल्लियों को लोहे के बांस से लटकाकर आग में जलाया जाता था, क्योंकि यूरोपियन का अकीदा था कि बिल्ली शैतान की जासूस है, लिहाजा इसे मार दिया जाए तो शैतान हमें देख नहीं पाएगा। ख्वातिन हज़रात, तारीखी मालूमात के मुताबिक यूरोपी सारा साल तोहमात की दिलदल में गुजारते और साल के वस्त या आखिरी महीनों में उन तोहमात का खुलकर इजहार करते थे, जिसमें सितंबर और दिसंबर की स्याह रातें बहुत ही अहम होती थी। आज का यूरोप अगरचे कल से बहुत मुख्तलिफ है, उसने बहुत सारी तोहमात से पीछा छिड़वा लिया है। कायनात की तस्खीर उनका अगला कदम है, लेकिन हमेशा कुछ खौफ ऐसे होते हैं जिनका वजूद कभी खत्म नहीं होता, या फिर कुछ ताकतें उन तोहमात के नफसियाती खौफ को जायल नहीं होने देती जिसके पीछे उनका जाती मुफाद छुपा होता है। ख्वातिन हज़रात, 23 सितंबर के हवाले से मेरी रिसर्च यह है कि नासा पिछले एक साल से बल्कि दो साल से अजीबो गरीब खबरें नशर कर रहा है। मसलन खला से हमें पुरसरार सिग्नल मिल रहे हैं, लगता है एलियन हमला करेंगे, या फिर सितारों के मदार बदल रहे हैं, जो कि किसी बड़ी मुसीबत का पेशकमा है। नाजरीन, हालिया दिनों में माहिर फलकियात ने रिपोर्ट जारी की कि 23 सितंबर 2017 को आसमान पर सितारों के एक झुंड विर्गु में कुछ अहम तब्दीलियां रूनवा होंगी, जो कि एक आम सी खबर है। अलबत्ता यूरोपीय पादरियों ने इस खबर को इस कदर अहम बना दिया है कि कदीम यूरोपीय तोहमात का खौफ एक बार फिर ताज़ा हो गया है। ईसाइयों के नज़दीक विर्गु नामी सितारों का झुंड हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का अधूरा मुजस्मा है। उनका यह भी ख्याल है कि यकीनन 23 सितंबर को यीशु मसीह आएंगे और तीसरी जंग का आगाज होगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो जमीन पर एक बड़ी तबाही जरूर आएगी। ख्वातिन हज़रात, याद रहे कि सितंबर और दिसंबर का महीना अहले यूरोप के लिए खासा नफसियाती दबाव का महीना होता है। इसके पीछे दो अहम चीजें हैं, नंबर वन कदीम यूरोपी तोहमात, नंबर दो उन तोहमात के नफसियाती दबाव को बरकरार रखने के लिए बनाई गई दर्जन भर से जायद हॉलीवुड मूवीज और बेशुमार नावल्स और अफसाने, जिसमें सितंबर और दिसंबर में जमीन को तबाह होते दिखाया गया है। यही वजह है कि सितंबर और दिसंबर में अर्जियाती और फलकियाती तब्दीली पर नजर होने वाली आम सी खबर भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर देती है। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों जदीद यूरोप को इस तरह के तोहमाती खौफ में गर्क किया जा रहा है? 2001, 2012, 2015 और आज 2017 में यूरोप को एक ही खौफ का मुसलसल सामना है, और इस खौफ में मजीद इजाफे के लिए इस पर फिल्म साजी की जा रही है, न्यूज साजी की जा रही है। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? ख्वातिन हज़रात, हकीकत यह है कि शैतानी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी तरह एक हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ उन ताकतों के खिलाफ यूरोप में कई तहरीकें भी फूट पड़ी हैं जिनका हुजम रोज बरोज बढ़ रहा है।
उन पर नफसियाती प्रेशर कायम करने के लिए और पूरी दुनिया को जहनी तौर पर आलमी एजेंडों का आलमी तखरीबकारी का शिकार होने के लिए आलमी ताकतें नासा और मीडिया के जरिए लोगों को जहनी तौर पर तैयार कर रही हैं, ताकि होलोग्राम कार्रवाई से पहले, एलियन वार से पहले या फिर दीगर एजेंडों के इस्तेमाल से पहले लोग इस कदर हरासा हों कि काबिले फिक्र मुजाहमत न कर सकें। नजरीन, आप मेरी इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि हम एशियन वो कौम है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हमारा हाथ यूरोप का बाजू थामे चल रहा है। यही वजह है कि हमें अपना दीन, ईमान और सकावत नजर नहीं आती, बल्कि हमें जो यूरोप अता करे वही हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। उनके त्यौहार, उनकी तहजीब हमारी हो चुकी है। वो हंसे तो हम हंसते हैं, वो रोए तो हम उनके अंदाज नकल करते हैं। लेकिन याद रखना, शैतानी ताकतों के लिए कोई मजहब मजहब नहीं है, उनका अपना एक मजहब है जिसे वो यूरोप पर कदीम तोहमात की आड़ में ठोंसेंगे। सितंबर और दिसंबर के वो दिन जब यूरोपियों में पुरसरारियत इंतहा तक पहुंच जाती है, उन्हें यकीन होता है कि बहुत जल्द कोई ऐसी खबर आने वाली है कि बहुत जल्द आसमान से आफत उतरने वाली है। ऐसे लम्हों में शैतानी ताकतें खुदा का रूप बनकर नाजिल होंगी या फिर किसी दूसरी दुनिया की मखलूक बनकर हमला करेंगी, जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्याम होगा। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा, ये बकायदा एक लॉन्ग टर्म मनसूबा है जिसे धीरे धीरे मुकम्मल किया जाएगा। अलबत्ता हाँ, अगर शैतानी ताकतों को, अगर आलमी तकरीबकारों को यूरोप में किसी किस्म की तकरीबकारी करनी है तो ये दो माह उन्हें बेहतरीन मौका फराहम करते हैं, क्योंकि इन दिनों जो यूरोपियन की नफसियाती हालत होती है वो खासी पतली हो चुकी होती है। खुदा याद रखिये कि अगर हमने अपने आइडियल ना बदले, हम अपने मजहब और सकाफत की तरफ ना पलटे, तो मुमकिन है अहले यूरोप के साथ हम भी हमेशा के लिए जलील हो जाए। नाजरीन, आखिरी बार आपका सवाल फिर से दोहराता चलूं कि आखिर 23 सितंबर 2017 को क्या होगा? मेरे अजीज वाचर्स, कुछ भी नहीं होगा। सितंबर यूरोपियन के तोहमात का महीना है, हर साल वो ये महीना बड़े मशकूक अंदाज में गुजारते हैं। अलबत्ता इत्तेफाक से इस बार एक फलकियाती रिपोर्ट उनके हत्थे चढ़ गई है जिस पर उन्होंने खासी सनसनी फैलाई हुई है। वैसे भी ये खबर जो उन्होंने फैलाई है कि विर्गु सितारों का जो झुंड है वो मुकम्मल होगा, यानी कि एक औरत का जो मुजस्मा है आसमान पर वो मुकम्मल होगा, तो ये बात ईसाइयों के अकीदे के हक में जाती है। लिहाजा वो लोग इस चीज से परेशान है कि यसू मसीह आएंगे या फिर तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताईदारे मदीना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक एक बात से आगाही दी है, लिहाजा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी किस्म की तकरीबकारी हुई तो इंशाल्लाह मैं, इमरान अदीब, आपको भाई, आपका दोस्त, इंशाल्लाह आपको जरूर खबरदार करूंगा। बल्कि आप खुद इस कदर बाशऊर हो जाएं, रिसर्च करें कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, आपको कोई नजरियाती बुनियादों पर मात ना दे सके। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता हमें ये जरूरी लम्हा होना चाहिए कि शैतानी ताकतें इन नफसियाती खौफ के महीनों का फायदा उठाकर शब्दाबाजी कर सकती हैं। इस हवाले से हमें थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है, इसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है। खवातीन हज़रात, ये थी 23 सितंबर के हवाले से आपका जो सवाल था, बहुत ज्यादा आपने सवाल किया था कि 23 सितंबर 2017 को क्या होगा। खवातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप शोर शराबे से खुद को मावरा रखेंगे, महफूज रखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।